हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको बुलडोजर जस्टिस केस में मंगलवार को हुई हियरिंग के बारे में बताया कि कैसे एडवोकेट संजय हेगड़े ने बेंच को इलीगल डिमोलिशंस के बारे में इन्फॉर्म किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर देने के बाद भी कि कोई डिमोलिशन नहीं होंगे कितने कंटेम्प्ट देखने को मिले हैं। ही आर्ग्यूड, माय लॉर्ड्स, व्हाट वी आर विटनेसिंग हियर इज नथिंग शॉर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट्स ऑर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड कंटेम्प्ट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। इसी कोर्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने और भी इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट एक्शंस और इनके सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट पर फोकस करती है, जब कुछ स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शंस को टारगेट किया जाता है और जब ये पता चलता है कि प्रॉपर्टी ओनर किसी क्रिमिनल केस में अक्यूज्ड है तो ये प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, इफ देयर आर टू स्ट्रक्चर्स इन वायलेशन एंड एक्शन इज टेकन ओनली अगेंस्ट वन एंड यू फाइंड इन द बैकग्राउंड देयर इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, देन व्हाट, सम सॉल्यूशन हैज टू बी फाउंड फॉर दैट, सम जुडिशियल ओवरसाइट। जस्टिस गवई ने इस बात पर भी जोर दिया और कहा, फॉर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस देयर हैज टू बी वन लॉ, नॉट डिपेंडेंट ऑन कम्युनिटी। इसका मतलब ये है कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस पर लॉ सबके लिए एक जैसे होने चाहिए बिना किसी बायस के, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि सिर्फ किसी पर क्रिमिनल केस का इल्जाम होना या कन्विक्शन होना घर गिराने का रीजन नहीं बन सकता। आपको बता दूं कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के केसेस रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने भी ये बात मान ली। लेकिन एसजी ने कंसर्न रेज किया कि कोर्ट का डिमोलिशंस पर सितंबर 17 को लगाया गया रिस्ट्रेन जेन्युइन इंक्रोचमेंट्स को हटाने में रुकावट डाल सकता है। उन्होंने कहा, फॉर द बेनिफिट ऑफ यू, फॉर अ फ्यू केसेस ऑफ अलेज्ड इनजस्टिसेस, लेट अनड्यू एडवांटेज नॉट टू बी टेकन बाय बिग बिल्डर्स एंड अदर्स। एसजी का कहना था कि जो केसेस हाईलाइट किए गए जहां डिमोलिशन एक प्यूनिटिव मेजर के रूप में यूज किया गया, वो केसेस कम है, लगभग 2% से भी कम, जब हम देश भर में हुए एक्चुअल डिमोलिशंस को देखें तो। हालांकि एसजी तुषार मेहता की सभी सबमिशंस को सुनते हुए और उन्हें क्लियर करते हुए एसजी ने 1 अक्टूबर को बुलडोजर केस में अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। साथ ही उन्होंने बाकी के सीनियर एडवोकेट्स के भी सबमिशन सुने और उनके सजेशंस नोट किए। हियरिंग के दौरान कोर्ट ने जुडिशियल ओवरसाइट की जरूरत पर जोर दिया जब लोकल अथॉरिटीज डिमोलिशन एग्जीक्यूट करती है। बेंच ने ये भी कहा कि डिमोलिशन नोटिस को रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू एक्चुअल ओनर को भेजा जाना चाहिए और एक्नॉलेजमेंट जरूरी है। इसके अलावा कोर्ट ने ये सजेशन दिया कि नोटिसेस और ऑर्डर्स को डिजिटाइज करके ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो सके। कोर्ट ने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया कि फाइनल डिमोलिशन ऑर्डर और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बीच एक विंडो ऑफ टाइम देना जरूरी है, जिससे अफेक्टेड पर्संस अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स कर सके। जस्टिस गवई ने कहा, वी विल क्लैरिफाई, डिमोलिशन कांट बी कैरिड आउट मियरली बिकॉज समवन इज एन अक्यूज्ड और कन्विक्ट। ऑल्सो कंसिडर देयर शुड बी अ नैरो विंडो इवन बिफोर ऑर्डर्स फॉर डिमोलिशन आर पास्ड। उन्होंने आगे ऐड किया कि वंस एन ऑर्डर इज पास्ड, यू मे प्रोटेक्ट देम फॉर 10 to 15 डेज, इवन इफ कोर्ट एंटरटेन्स अ ग्रीवांस, क्वेश्चन ऑफ स्टे विल बी डिसाइडेड विद इन 1 month। लेकिन एसजी ने इस पर कंसर्न रेज किया कि ऐसी जनरल डायरेक्शंस लोकल लॉज की प्रोविजंस को अमेंड करने के बराबर हो सकती है। जस्टिस विश्वनाथन ने इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए कहा, इवन इफ इट्स नॉट ऑथराइज्ड, इट्स नॉट अ हैप्पी साइट टू सी वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑन द रोड, एल्डर्स कमिंग आउट ऑन रोड, सपोज दे वांट टू मेक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स। सीनियर एडवोकेट सीओ सिंह, जो पिटिशनर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने सबमिट किया कि काफी केसेस में ये पैटर्न देखा जा रहा है कि जहां एफआईआर फाइल होने के तुरंत बाद डिमोलिशन हो जाती है। उन्होंने कहा, वी अंडरस्टैंड दैट द स्टेट हैज अ लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन प्रोटेक्टिंग पब्लिक लैंड, बट नन ऑफ दैट ओबवियेट्स द नीड फॉर पीपल टू बी गिवन नोटिस, वेरी रेयरली इज देयर अ डिमोलिशन ऑफ इमिनेंट इमरजेंसी। उन्होंने हाईलाइट किया कि देयर आर सेवरल केसेस वेयर इज एफआईआर टुडे एंड डिमोलिशन इज ऑन द नेक्स्ट डे, डिमोलिशंस हैव टेकन प्लेस इवन आफ्टर योर लॉर्डशिप्स ऑर्डर इन गुजरात, 28 पीपल्स हाउस डिमोलिश्ड। ये इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि लोगों को नोटिस दिए बिना डिमोलिशन हो रही है और कई केसेस में डिमोलिशन एफआईआर के तुरंत बाद हो जा रही। सीनियर एडवोकेट एमआर शमशाद ने भी नोटिस पीरियड बढ़ाने का सजेशन दिया और कहा कि ऑफिसर्स को प्रोविजन का पालन करते हुए रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी चाहिए, जिससे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो सके। उन्होंने सिलेक्टिव डिमोलिशन का इशू भी रेज किया और कहा कि ये नहीं हो सकता कि एक ही लोकेलिटी में सिर्फ एक घर इंक्रोचमेंट है। उन्होंने ये सजेस्ट किया, डिमोलिशन से पहले पूरी लोकेलिटी का सर्वे होना चाहिए और यूनिफॉर्म एक्शंस लिए जाने चाहिए। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने एक पर्सन गणेश गुप्ता का केस लिया, जिसके जूस शॉप दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2022 में हनुमान जयंती वायलेंस के बाद डिमोलिश किया गया। सीनियर एडवोकेट हेगड़े ने कोर्ट को बताया कि डिमोलिशन ड्राइव पॉलिटिशियंस द्वारा पहले ही अनाउंस कर दी गई थी और ये डिमोलिशन एक मीडिया स्पेक्टिकल बन गई। सीनियर एडवोकेट ने आर्ग्यू किया कि उनके क्लाइंट को कोई प्रायर नोटिस नहीं मिला और जो नोटिस अथॉरिटीज ने क्लेम किया कि वो किसी शकुंतला के नाम पर था,
जो उनका क्लाइंट नहीं जानता था। बेंच ने क्लैरिफाई किया कि नोटिस रजिस्टर्ड ओनर को भेजे जाने चाहिए। कोर्ट ने यूनाइटेड नेशन स्पेशल रैपोर्टर ऑन एडिक्वेट हाउसिंग और कुछ दूसरे लोगों द्वारा फाइल की गई इंटरवेंशन एप्लीकेशन को सुनने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि कोर्ट पहले ही डायरेक्टली अफेक्टेड पार्टीज को सुन चुकी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहताब ने भी यूएन एक्सपर्ट के इंटरवेंशन का विरोध किया और कहा, द असिस्टेंस ऑफ आउटसाइडर्स आर नॉट नेसेसरी। बेंच ने यूएन एक्सपर्ट के काउंसिल एडवोकेट वृंदा ग्रोवर को कहा कि वो अपने सजेशंस पर्सनल कैपेसिटी में दे सकती है। इन सब बातों से ये क्लियर होता है कि कोर्ट एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना चाहती है, जहां अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट एक्शंस को रेगुलेट किया जा सके बिना किसी बायस के और इंश्योरिंग की प्रॉपर जुडिशियल सेफगार्ड्स फॉलो किए जाए। तो अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का आने वाला जजमेंट इस प्रैक्टिस पर कोई चेंज ला पाता है। साथ ही आपको बता दूं कि इस हियरिंग में एक लाइटर बैंडर भी देखने को मिला, जब सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट के सामने अपीयर हुए फॉर द आर्ग्यूमेंट्स। उन्हें देखकर एसजी तुषार मेहता ने कहा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, वो आर यू अपीयरिंग फ्रॉम, हाउ कैन दे अफोर्ड, जिस पे सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने जवाब दिया दैट लॉर्डशिप्स फॉरगेट आई हैव टू सी विद एंग्विश हाउ मच प्रो बोनो वी ऑल डू। ये सुनकर एसजी ने कहा कि लाइटर साइड में मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। दोनों एडवोकेट्स की नोक झोंक चल ही रही थी कि जस्टिस विश्वनाथन ने उन्हें रोकते हुए कहा, वी विल नॉट गेट इनटू ऑल दैट, आउटसाइड यू गाइस विल एक्सचेंज कॉफी। जिस पे एसजी मेहता ने ऐड करते हुए कहा कि और उर्दू कपलेट्स भी, बट नॉट एक्सचेंज ओनली आई गिव। जिस पे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सहमति दिखाई और शॉर्टली आर्ग्यू किया। आपको याद होगा कि बुलडोजर जस्टिस के इस केस की शुरुआत हुई थी जब अप्रैल 2022 में दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक डिमोलिशन ड्राइव प्लान की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। पिटिशनर्स ने ये आर्ग्यूमेंट किया था कि अथॉरिटीज बुलडोजर का यूज पनिशमेंट के रूप में नहीं कर सकती। कोर्ट ने इस ड्राइव को रोक दिया, लेकिन पिटिशनर्स ने ये मांग की कि कोर्ट डिक्लेयर करे कि बुलडोजर एक्शन एक सजा के रूप में नहीं किया जा सकता। हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दो अर्जेंट एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। एक केस उदयपुर का था, जहां एक व्यक्ति का घर सिर्फ इसलिए गिरा दिया गया क्योंकि उनके किराएदार के बेटे पर एक जुर्म का इल्जाम था। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट के सामने ये कहा कि सिर्फ किसी व्यक्ति पर जुर्म का इल्जाम लगना घर गिराने के कारण नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा कि जिन केसेस में पिटिशनर्स ने अपने फैक्ट्स रखे हैं, उनमें वायलेशंस और नोटिसेस भेजे गए थे, लेकिन कंसर्न्ड इंडिविजुअल्स ने रिस्पांस नहीं दिया, जिसके बाद अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस को म्युनिसिपल लॉज के मुताबिक गिराया गया। इस बात का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ एक व्यक्ति पर जुर्म का इल्जाम लगने या उसके कन्विक्ट होने के बेसिस पर उसका घर नहीं गिराया जा सकता है। जस्टिस बी आर गवई ने कहा था कि घर तभी गिरा सकते हैं जब लॉ के प्रोसीजर के हिसाब से किया जाए। कोर्ट ने कहा कि ये एक नेशनल इशू है और इस पर गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है, ताकि ऐसे कंसर्न्स को एड्रेस किए जा सके। इसके लिए पार्टीज को ड्राफ्ट सजेशन सबमिट करने के लिए कहा गया है, जो कोर्ट कंसिडर कर सकती है। और 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करते हुए एक इंटरिम ऑर्डर पास किया था, जिसमें कहा गया था कि देश भर में कोई डिमोलिशन बिना कोर्ट के परमिशन के नहीं हो सकता, सिवाय उन केसेस के जहां पब्लिक रोड्स, फुटपाथ, रेलवे लाइंस या वाटर बॉडीज पर इंक्रोचमेंट हो। पर इस ऑर्डर के कुछ समय बाद ही असम के लगभग 47 लोगों ने कोर्ट के 17 सितंबर के ऑर्डर के वायलेशन का इल्जाम लगाते हुए कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सब केसेस को डिसाइड करते हुए स्टेटस को बनाए रखने का ऑर्डर दिया है और साथ ही अपना जजमेंट रिजर्व भी किया है। आपकी इस न्यूज पर क्या टेक है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन, कीप सपोर्टिंग लॉ चक्रा।